तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका होस्ट दोस्त सिद्धार्थ और आपको स्वागत करता हूँ आपका अपना यूट्यूब चैनल से टेक एंड ब्लॉग्स में। दोस्तों, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगती है और मेरी मेहनत अच्छी लगती है तो प्लीज़ नीचे जाकर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और साथ में बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिए, जिससे मेरा हर वीडियो का अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँ। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आज Asus ZenFone Max Pro M1 के बारे में कुछ बताने वाला हूँ और उसमें आपको तीन ऐसे ऐप्स इंस्टॉल करके दिखाऊंगा जिससे आपको बहुत ही फायदा होगा और आप अपने मोबाइल को बहुत ही कस्टमाइज कर सकते हो उस ऐप के जरिए। दोस्तों, सभी लोगों का मोबाइल का बूट लोडर अनलॉक नहीं होता और सभी लोग कस्टम यूआई जो कस्टम रोम इंस्टॉल नहीं कर सकते। तो ये जो फीचर मैं बताऊंगा ये उन्हीं लोगों के लिए है जो कस्टम रोम इंस्टॉल नहीं करते और जिनका बूट लोडर अनलॉक नहीं होता या उनको पता नहीं कस्टम रोम इंस्टॉल करना। तो चलिए आज की वीडियो को बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं वीडियो में आके मैं आपको दिखाऊंगा वो सारा सेटिंग मोबाइल के स्क्रीन पर। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं Asus ZenFone Max Pro M1 के ऊपर कुछ ऐप्स के बारे में आपको बताऊंगा जो कि बहुत ही कूल लगते हैं अप्लाई करने के बाद। तो चलिए पहले आपसे शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला जो ऐप है वो है एडवांस सेटिंग करके। दोस्तों, इस ऐप में आप अपने मोबाइल के सारे जो हिडन फीचर्स हैं उसको आप इधर से ही मैनेज कर सकते हैं, जैसे कि नोटिफिकेशन लॉक में आपको जितना सारा रिसेंट आपने यूज किया होगा वो सारा आपको देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों, Asus ZenFone Max Pro M1 में अभी जो लेटेस्ट अपडेट आया था 0.60 का, उसके बाद आपको और एक चीज़ देखने को मिल जाएगा, गैलरीज रनिंग करके आपको एक नोटिफिकेशन बार बार ऊपर आ रहा होगा। तो आप इधर से उसको देख सकते हैं और अगर आप उसको डिजेबल करना चाहें तो आप अपने मोबाइल सेटिंग्स में जाइए, उसके बाद ऑप्शन नोटिफिकेशन में जाइए और सी ऑल ऐप्स में कीजिए। इधर आप जाइए शो सिस्टम में और सिस्टम में जाकर उसको नीचे जाइए, आपको मिल जाएगा गैलरी नाम का करके। ये देखिए दोस्तों, ये रहा हो आपको जैसे कि पता है मैं भी जो भी फोटो और वीडियो करता हूँ वो गूगल ऐप्स में गूगल फोटोज में ओपन आता है, तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो अभी मैं उसको आप अगर इधर चाहें तो उसको डिजेबल कर सकते हैं। तो फिर से चलते हैं उसी एडवांस सेटिंग के ऊपर और इधर देखिए दोस्तों, ये है एक प्रिंट सर्विस ऐप जिसकी वजह से आपका बैटरी बहुत ज़्यादा जाता होगा। तो इधर से भी उसको बंद कर सकते हैं, ये हमेशा ऑन रहता है। अगर आपको ज़रूरत है तो ऑन रखिए, नहीं तो आप इधर से उसको बंद कर दीजिए। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट ऐप की तरफ। जो नेक्स्ट ऐप है वो है दोस्तों एक सिंपल सा वॉलपेपर ऐप जिसका नाम है स्प्लैश वॉलपेपर। दोस्तों, ये वॉलपेपर ऐप बहुत ही सिंपल है और बहुत ही यूनिक है। आप अगर इस पे वॉलपेपर अपना स्क्रॉल चेंज करना चाहें तो बस इस पे टैप कीजिए, आपका वॉलपेपर इधर से चेंज हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों, मेरा वॉलपेपर चेंज हो चुका है। और आपको अगर मान लीजिए कोई वॉलपेपर पसंद आ गया तो इसके ऊपर क्लिक कीजिए, आपका जो वॉलपेपर है वो सेव हो जाएगा। और अगर आप लॉक स्क्रीन में वॉलपेपर रखना चाहें तो आप अपडेट लॉक स्क्रीन कर दीजिए। और अगर आपका वॉलपेपर मान लीजिए आपको अपडेट करने का मन नहीं है तो बस आप इसको बंद कर दीजिए, वो आपका वॉलपेपर अपडेट नहीं होगा। और मान लीजिए आपको कोई एक नया वॉलपेपर सेट करना है तो आप बस ऐसे ही टैप कीजिए और बैक जाइए अपने स्क्रीन पर, तो आपका जो वॉलपेपर है वो ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। और अगर आप अपने ये को और थोड़ा अच्छा बनाना चाहते हैं, मतलब कस्टमाइज करना चाहते हैं, तो आप ये दोनों ऑप्शन का यूज ही कर सकते हैं, एक है ब्लर वॉलपेपर और दूसरा है डार्कन वॉलपेपर। चलिए मैं एक एक करके आपको ऑन करके दिखा देता हूँ। अगर आप अपना ब्लर वॉलपेपर का
ऑप्शन ऑन करते हैं तो आपका वॉलपेपर और थोड़ा ब्लोयर हो जाएगा, जिससे आपका मोबाइल और भी अच्छा दिखेगा। और अगर आप उसको और भी डार्क करना चाहते हैं तो डार्कन वॉलपेपर का ऑप्शन ऑन कर दीजिए और मोबाइल में बैक आ जाइए, तो और आपका जो स्क्रीन है वो थोड़ा डार्क दिखेगा। तो ये दोनों आप मुझे बहुत ही अच्छे लगे। और एक ऐप के बारे में मैं आपको बताता हूँ, वो है डार्क मोड। दोस्तों ये रहा वो डार्क मोड का ऐप। इसमें आपको तीन ऑप्शन मिल जाता है, डे मोड, नाइट मोड और ऑटो मोड। अगर आप डे मोड में कर देते हैं दोस्तों, तो ये देखिए ये रहा आपका डे मोड का। अभी चलते हैं नाइट मोड में। दोस्तों नाइट मोड में ये एक बहुत ही अच्छा ऐप है। इसमें आपको अगर आप नाइट मोड इनेबल करते हैं तो आपको इसमें गूगल प्ले स्टोर और गूगल फोटोज़ में आपको नाइट डार्क मोड देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आपको इंस्टाग्राम पे भी डार्क मोड देखने को मिलता है इस पे। तो अगर आप सेटिंग में जाकर, ये देखिए दोस्तों मैं आ चुका हूँ अपने मोबाइल सेटिंग पे। तो अगर आप सेटिंग में जाकर तो अगर आप सेटिंग में जाकर डिस्प्ले में जाकर जो डिवाइस थीम है उसको ऑटोमेटिक बेस्ड ऑन वॉलपेपर भी कर देते हैं, तो भी आपका जो डार्क मोड है वो इंस्टाग्राम से नहीं जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा फीचर है और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ अगले अपडेट में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम और गुड बाय दोस्तों।